पूरा देश में जाके देखिए, जो तमाम राज्य है उसमें यह नीति नहीं है। 60% अंदर के और 40% बाहर के क्यों एक्सेप्ट करेंगे, जब झारखंड राज्य अलग हुआ है, जब झारखंडियों के लिए अलग हुआ झारखंड राज्य। लेकिन वो जब अलग हुआ तो अलग नीति क्यों नहीं, आज 21 साल से 22 साल हो गया झारखंड राज्य बन के, लेकिन आज तक झारखंड की कोई स्थानीय नीति या नियोजन नीति यहाँ पर कोई हम लोग का पहचान नहीं है। आज 60 की बात करते सरकार, 60 किस आधार से देगा? यहाँ के बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या उड़ीसा के लोग, यहाँ के आपका अगला कार्यक्रम क्या हो? अगला कार्यक्रम हमारे सरायकेला पूरा जिला लेवल का 9 प्रखंड को लेकर एक विशाल प्रदर्शन है। उस प्रदर्शन को सफल करने के लिए तो ट्रेलर है, बस ये हम लोग के ट्रेलर के तहत है कि हम लोग यहाँ इतना शक्ति है। जब 9 प्रखंड मिलके एक जिला को घेराव करेगा और ये तमाम 28 जिला मिलकर एक राज्य में आवाज़ उठाएगा तो झारखंड सरकार सोच सकती है कि झारखंड के छात्र नौजवान कितना नाराज है। और जिस दिन छात्र के घर के गार्जियन सामने आएंगे तो झारखंड सरकार सोच सकती है कि क्या हालत हो सकती है। आपका परिचय? मेरा परिचय, मेरा नाम विद्रोही विष्णु पद महतो, हम चांडिल से हैं। पॉलिसी नहीं देखने को मिला है और हम कैसे इसे स्वीकार कर सकते हैं? आज हम तमाम इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम अभिभावकों को भी निवेदन करने चाहेंगे कि जो भी पॉलिसी बनी हुई है, आज आप अपने छात्र छात्राओं को जो क्लास के लिए भेजते हैं, परीक्षा पढ़ने के लिए भेजते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए जो भेजते हैं, उसका उद्देश्य है कि नौकरी पाना। अगर नौकरी बचाई नहीं है तो आप किस उद्देश्य से भेज रहे हैं? एक तो उद्देश्य है कि शिक्षा का उद्देश्य होता है कि कुछ समाज में शोषण उत्पीड़न, उसके लिए आवाज़ उठाना, लेकिन ना उसके लिए आवाज़ उठा पा रहे हैं आज, और ना ही हमारे यहाँ पे क्षेत्र में जो नौकरियाँ बची हुई है उसको लेकर कोई भी सतर्क है। कहीं सेफ नहीं है, सेफ जोन में कहीं पे भी नहीं है, ना 60 में है ना 40 में है। 40 तो पूरी तरह से बुक हो चुका है पूरे भारतवर्षों के लिए, और 60 जो है वो भी 1985 जो रघुवर दास द्वारा लाई गई 2016 से पूर्व की सरकार, जो 2016 से पूर्व की नियोजन नीति जो बनी हुई थी, उस नियोजन नीति को बनी हुई है। तो ऐसे में कैसे हम विश्वास करें कि ये सरकार जो द्वारा किए गए वादे के अनुसार अपना काम कर रही है? आपका जी, मेरा नाम गोपेश महतो है। यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया, आज झारखंड सरकार एक झारखंड विरोधी नीति लेकर आया, एक ऐसा नीति जिस नीति में बाहर राज्य के जितने भी सारे लोग हैं उन सारे लोगों को एक दरवाजा से यहाँ का एक निवासी बनाने जाने का और नियोजन देने का जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसके JSSU और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जितने भी सक्रिय सदस्य और छात्र सारे लोग मिलकर हम सारे लोग इसका विरोध किए, जिसका आज पुतला दहन किए कि आज सरकार, आज आपके सरकार को बनाने के लिए हम सारे लोग जी तोड़ करके मेहनत किए, निस्वार्थ भावना से आपको इस उम्मीद से पहुंचाए थे कि आप एक झारखंडी व्यक्ति हो और हमारे लोकल के लिए आप काम करोगे, लेकिन आप हमारे जितने भी सपने हैं छात्रों के, जितने भी भविष्य को लेकर आप बर्बाद कर रहे हैं। इस वजह से हम सारे लोग ने, और ये जो हमारा विरोध चल रहा है, ये विरोध रुक तक कि हमारा ये नीति जब तक पूरा पूरी खत्म नहीं करता तब तक ये रुकने वाला। क्या ऐसा आंदोलन करने से आपको लगता है कि आप लोग का मांग पूरा होने वाला है? क्यों नहीं हो सकता है? मैं सीधा सीधे मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूँ, उनके पिताजी जो गुरुजी हैं, उन्होंने अलग झारखंड के लिए उन्होंने आंदोलन किया, क्या हमें झारखंड राज्य नहीं मिला? लेकिन आज वो सारा चीज़ भूल चुके हैं कि आंदोलनकारियों का ताकत क्या होता है, वो भूल चुके हैं कि आंदोलन से क्या क्या शक्तियाँ हासिल हो सकती हैं। क्यों नहीं होगा? हम सारे लोग रोड पर आ जाएंगे, अगर रोड पर नहीं आएंगे तो करेंगे क्या? आज हम सारे लोग एक उम्मीद के साथ पढ़ाई लिखाई करते हैं, आज भी हम अपने बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, और आने वाले समय में जितने भी अभिभावक हैं, हर लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के पीछे ना जाने, अपने सोना गिरवी रख के, जमीन गिरवी रख के, अपना जमीन बेचकर बच्चों को बाहर में पढ़ाते इस उम्मीद के साथ कि हमें यहाँ पर नौकरी मिलेगा, लेकिन मिला है एक ऐसा नीति कि झारखंड से मैट्रिक इंटर पास करने वाला नीति। ऐसे नीतियाँ जो झारखंड के हित में नहीं है, ऐसे नीतियाँ जो हमारे लोकल के हित में नहीं है, बाहरियों को घुसाने का जो चल रहा है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम सारे लोग मिल के बोलते हैं, होश में आइए हमन जी, 60-40 नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो, कहीं नहीं। ये तो मैं पत्रकार महोदय के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है। मैं सभी जितने सारे लोग मेरी आवाज, जितने लोग प्रेस के माध्यम से, जितने सारे लोग मेरी आवाज को सुनेंगे या सुन पा रहे हैं, मैं सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि आप सभी लोग 3 तारीख को पहुंचिए, 3 अप्रैल 11 बजे सुबह पहुंचिए सरायकेला, जहां पर हम छात्र JSSU संगठन सरायकेला खरसवां जिला के सभी छात्रों को आह्वान करते हैं कि पहुंचिए। हम सारे लोग विशाल रैली रखे हैं, एक ऐसी रैली 60-40 नीति के विरोध में, जहां पर हम सारे लोग DC ऑफिस की घेराव करेंगे और जहां पर बृहद रूप से सरकार का पुतला दहन भी किया जाएगा। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि आप सारे लोग अगर चाहते हैं कि हमारा भविष्य बचे, आप